गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लुक स्टाइलिश विदाउट वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स। सो बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो मुझे कॉमेंट करती हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं दैट हाउ टू लुक स्टाइलिश विदाउट वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स। तो आज की वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। आई एम गोना टेल यू फ्यू स्टाइल्स या फिर कुछ ऐसे टिप्स जो कि मैं जनरली फॉलो करती हूँ, बिकॉज जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं शॉर्ट क्लोथ्स नहीं पहनती एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक स्टाइलिश। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर जनरली भी अगर आपको स्टाइलिश लगना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप छोटे कपड़े पहन के ही हॉट लगो या फिर स्टाइलिश लगो। आप काफ़ी अच्छे लग सकते हो, स्टाइलिश दिख सकते हो इन फुल क्लोथ्स एज वेल, बट आपको स्टाइल करना आना चाहिए। तो अगर आपके कॉलेज में कुछ कोड है कि आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते या फिर स्ट्रैपी टॉप्स नहीं पहन सकते हैं तो भी मैं आपको आज बहुत सारे स्टाइल टिप्स देने वाली हूं जो कि आपके काम आने वाले हैं। सो लेट्स सी। सो गाइस सबसे पहले लुक में मैंने एक हॉल्टर नेक ड्रेस पहनी है एनिमल प्रिंट वाली। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रैपी ड्रेस जिसमें स्ट्रैप्स होती हैं ऊपर या फिर हॉल्टर नेक ड्रेस है तो आप उसे वाइट टी शर्ट के ऊपर पहन सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हाफ स्लीव टी शर्ट पहने तो वो काफ़ी स्मार्ट लगती है एंड कॉलेज के लिए ये लुक काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे ड्रेस कोड्स होते हैं जहाँ पे आप हाफ स्लीव्स या फिर स्ट्रैपी टॉप्स नहीं पहन सकते हो वहाँ पे आप टी शर्ट के साथ ऐसे ड्रेसेस को पेयर कर सकते हो। एक मैक्सी ड्रेस है एंड इस टी शर्ट के साथ ये काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कैसे उसे एक्सेसराइज करते हो। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैक कलर की वॉच पहनी है जस्ट फ्रॉम सैमसंग एंड साथ में हुप इयररिंग्स पहने हैं, बाल सिंपल खोले हुए हैं एंड दिस लुक्स अमेजिंग। वैसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिया है एक स्ट्रैपी सनफ्लावर वाली ड्रेस पहन के, इसके साथ भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जंपसूट वाला लुक आ जाता है बट ड्रेसेस टी शर्ट्स के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी की वाइट टी शर्ट आप डेफिनेटली खरीद लें। एंड नेक्स्ट जो लुक मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे मैंने सेम वाइट टी शर्ट को पेयर किया है एक पैंट के साथ जो कि एनिमल प्रिंट में है। सो गाइस मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कभी कभी जीन्स के अलावा पैंट्स भी ट्राई करें क्योंकि पैंट्स बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं और आप छोटे कपड़े बिना पहने बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिख सकते हो। तो इस तरीके की प्रिंटेड पैंट्स आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट एक ब्रालेट ऊपर पहन ली है टी शर्ट के एंड ये बहुत परफेक्ट लग रहा है देखने में बिकॉज इट्स सो अप्रोप्रिएट। सो ये बहुत स्टाइलिश लग रहा है पहनने के बाद। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रालेट भी पहन पाओगे एंड स्टाइलिश भी दिख पाओगे। सो जो नेक्स्ट लुक है गाइज इसमें मैंने एक बेसिक प्लेन टॉप को वाइट जीन्स के साथ पहना है। तो आप अपनी जीन्स के साथ डेफिनेटली कोई प्लेन सॉलिड कलर का टॉप पहने तो वो काफ़ी स्टाइलिश लगता है देखने में क्योंकि सॉलिड कलर बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा अपीयरेंस देता है आपके पूरे के पूरे लुक को। तो यहाँ पर मैंने सिंपली हुप इयररिंग्स पहने हैं, जीन्स पहनी एंड लुक्स गुड। नेक्स्ट मैंने पेयर किया है एक फ्रंट स्लिट कुर्ती विद माय जीन्स। तो जीन्स के साथ आप इस टाइप की फ्रंट स्लिट कुर्तीज़ पहन सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे एक्सेसरीज़। तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे इयररिंग्स पहने तो इस तरह के इयररिंग्स फ्रंट स्लिट कुर्ती के साथ बहुत स्टाइलिश लगते हैं एंड साथ में अगर आप जीन्स पहनेंगे तो आपका ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड आप बहुत स्टाइलिश भी लगेंगे। तो डेफिनेटली आप ये वाला लुक ट्राई करें, बिना छोटे कपड़े पहने आप बहुत अच्छे दिख सकते हो। एंड मेकअप आपको बिल्कुल डिसेंट रखना है क्योंकि अगर आप कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो डिसेंट सा मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड एक्सेसरीज पे अगर थोड़ा काम करेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट लुक में मैंने सॉलिड कलर रखा है क्योंकि सॉलिड कलर काफ़ी क्लासी लगते हैं। तो सॉलिड कुर्ता सॉलिड प्लाजो पहना है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट कलर में दुपट्टा ले लिया है, सेम उसी कलर के इयररिंग्स पहन लिए हैं। तो ये लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए ये लुक बहुत अच्छा लगता है गाइस क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगेगा साथ साथ आप उसमें बहुत स्टाइलिश भी लग सकते हो। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ वेस्टर्न कपड़ों में आप स्टाइलिश दिख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इंडियन कपड़ों में भी स्टाइलिश लग सकते हो, बस आपको कलर पैलेट अच्छे से चूज करना है एंड आप प्रिंट्स एंड कलर्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जो मेरा नेक्स्ट सजेशन है वो है स्कर्ट्स। आप मिडी स्कर्ट्स डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा शीक लगती हैं, स्टाइलिश लगती हैं एंड बहुत ज़्यादा फेमिनिन लुक देती हैं। तो इस तरीके के प्लेन बेसिक टॉप के साथ अगर आप प्लीटेड मिडी स्कर्ट पहनेंगे तो वो काफ़ी अच्छी लगती है एंड यहाँ पे एक डिफरेंट सा लुक देने के लिए मैंने झुमके पहने हैं विद माई वॉच एंड ये लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न सा लुक हो गया बट इट लुक्स अमेजिंग।
सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर देना। एंड मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।